गुड इवनिंग आचार्य जी एंड एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। गुड इवनिंग आचार्य जी। और जो आपने कहा था कि जल्दी से आज गुड इवनिंग सर। राजन सर, गुड इवनिंग आचार्य जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन, ऑल ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज तो कमाल ही हो गया, मतलब सबकी दिल की मुरादें पूरी हो गई सर। जिंदगी में वाई क्यों इम्पोर्टेंट है। हम जब भी बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करो तो वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई बराबर है ना। आज मैं मुलशी गया था, 4:30 खबर मिली मुलशी में कि अश्मीन जी आने वाले हैं सेशन में। 4:30 मैंने जो गाड़ी भगाई है, मतलब जिसको 4.5 घंटा लगता है वो मैं 3.25 घंटे में मैं कैसे आया मुझे मालूम है। एंड आई हैव रीच्ड हियर इन टाइम, यू नो व्हाई? बिकॉज माय व्हाई वाज स्ट्रांग। मेरा वाय स्ट्रॉन्ग था आज। yes, तो रश्मि बोल रही, आप हमारे रॉक स्टार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं राजन सर, आप हमारे रॉक स्टार हैं। मुझे नहीं मालूम है मैंने कैसे गाड़ी चलाई, मुझे नहीं मालूम है सर। हम मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि राजन सर इस वाले सेशन में जरूर हो। रश्मि जी से मेरी बात हुई तो कह रहे आप, मैंने नहीं, आज राजन सर का होना बहुत जरूरी है। तो सर, मैं और रश्मि बात कर रहे थे किसको लेकर आए, किसकी आज शेयरिंग हो। तो मतलब देखो कैसे हमें अबंडेंस में मिला है आज, अबंडेंस में। We are finding someone. So today is the best day of 66 days. Yes, today is the best day of 66 days. The luckiest day today. Sir, डेट नोट कर लेना आज। आप तो वैसे ही सबका लिख ही रहे हैं पर आज तो स्पेशल डेट है। तो रश्मि बोली सर 9:30 तो मैम सो जाती है, तो बोले 8:00 कर दो। मैं बोला 8:00 कभी मत करना, 8:30 करना। मैं 8:30 तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। ओके, सो हु इज इंट्रोड्यूसिंग आश्मीन जी? शीतल इज देयर, राइट? शीतल, यू आर रेडी? यस सर, आई एम सुपर रेडी। देखो, और समबडी वाज रेडी विद द ग्रेटिट्यूड प्रेयर आल्सो, आई थिंक। किसने मुझे मैसेज भेजा था? I was driving and somebody had sent a message that she is ready with a prayer. Aashmeen ji ke liye gratitude prayer kuch ready hai kisi ki? Okay, so whosoever, if you are ready with your gratitude prayer also, absolutely you can do the gratitude prayer. Okay, so today we have invited Aashmeen ji. Aashmeen ji ne voluntarily हमें ग्रुप में मैसेज भेजा कि यस आई एम वॉलंटियरिंग टू कम टू द सेशन टुडे, सो वी आर गोइंग टू वेलकम हर। सो हम कैसे वेलकम करेंगे? तालियां बजा के वेलकम करेंगे, तालियां जोर जोर से। कोई सीटी बजा के कर सकते हैं, और अजीब भगवान साहब भी हैं, भगवान भाई भी हैं, तो हंस के भी करेंगे हम। वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट। ओके, सो आश्मी जी इज देयर। आवाज आ रही है जी आपको? गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग एंड थैंक यू. पहले बताओ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है. यस मैम आ रही है. गुड इवनिंग मैम, आपका प्रकाश आ रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. आखिरकार राजन जी ने मुझे बुला लिया. थैंक यू राजन जी. मैं एंड तक वेट करती रही, बुलाएंगे फाइनली मुझे हाथ ऊपर करना पड़ा, बुला लो. वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड. हम एक स्पेशल ओकेजन देख रहे थे कि कब हम आपको बुलाएं. ओके, तो हमने काफी तैयारी करके रखी है आज एक 3 घंटे के पीरियड में. सो समबडी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू. So I think Sheetal is she has written something and she wants to welcome you. So please introduce Aashmeen ji. Sheetal, are you there? Thank you for this opportunity. And Aashmeen ma'am, I love you. I love you too. Thank you for being here. Thank you Sheetal. Ma'am, dil se maine aapke liye kuch likha hai. Irshad. दिल्ली की एक सिंपल सी लड़की, दिल में जज्बा, आंखों में हजारों सपने बुनती, अरविंद सर के दिल की है रानी, एनी और मेहर की है ये सुपर मॉमी. चलो आज सुनते हैं इनकी कहानी, इनके जुबानी. बेटी से पत्नी, बहू, माँ बनी आप मशहूर हस्ती. लाखों करोड़ों के दिल में आपकी छवि है बसती. फरिश्ता बन बहुतों की जिंदगी को सवारा. यूं ही नहीं, लाखों लोगों ने आपको भगवान है माना. चलो आज सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी. आपके नाम मात्र से ही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती. जिंदगी के ब्रेकडाउन्स ब्रेक थ्रूज में पलट जाती. मैनिफेस्टेशन और विजुलाइजेशन की आप है विदुषी. हम जैसे लाखों की दशा और दिशा को जादू से निखारी. चलो आज सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी. वी आर सुपर ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस टुडे, द ब्यूटिफुल डिवा, द मोस्ट रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, पैशनेट ऑन्कोलॉजिस्ट, अ मोटिवेशनल स्पीकर, a magical life coach who has transformed countless lives, helping individuals find their strength and power. She is a leading figure in the field of self-realization, inspiring and guiding people to unlock their full potential and reach new heights of success. Her remarkable journey from being a simple girl to a renowned guru is a result of her true dedication, hard work, passion, and unwavering spirit. She is a super blessing, and we are looking forward to listen to her and gain a deeper understanding for her experiences. Let us put our hands together and give a very, 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 very warm welcome to our beloved Aashmeen ma'am, the Rhonda Byrne of India. Rhonda Byrne of India. Wow! Love you, ma'am. Love you. Love you, ma'am. Okay. Thank you very much. Thank you. Hamari, you are on up mute again. Aashmeen ji, you are on mute. Aashmeen ji, आप mute पे हो गए. मैं unmute में, मैं तो मैं सुनाई दे रही हूँ. Yes. Yes. Now audible. Yes. So thank you very much for all the words that you have put together. Thank you, Sheetal. Thank you all the team. Thank you, Rajan ji. And each and every word, I really got what you have for me. And कुछ तो चलो मेरे थे. कुछ थोड़े ऊपर थे, ऊपर ज्यादा चले गए. तो जो ऊपर चले गए वो मैंने कैच नहीं करे, वो मेरे रेंज के बाहर थे. और जो मेरे तक पहुंचे वो मैंने ले लिए. तो जो वो सारा मेरे पास आ गया. एंड इट रियली फील्स लॉट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड. थैंक
thank you for feeling that way for me, and it really makes you special. Ek insaan ko dusre insaan ke liye itna acha sochna, itna acha feel kar pana. Agar suppose ye jo hum dono ke beech mein abhi hua hai, ya do logo, teen logo ke beech mein hua hai, everywhere the same emotion continue. The same, which itni lambi poem na si, phir bhi ek do pyare shabd, ek do pyari appreciations, ye game chalti hi rahe. तो इसी के लिए ये जो हैप्पी रोड्स बनी है वो रास्ता जिसपे सब खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहे, सब लोग शुक्राना करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. रोज रात को कुछ प्यारा सोचना, कुछ प्यारा सुनना, कुछ अच्छा सा किसी की जिंदगी से, या कुछ भी जो मुझे मुझे पॉजिटिविटी दे. एंड विद दैट थॉट यू गो टू योर बेड, यू स्लीप एंड यू बिगिन योर नेक्स्ट डे. सो दिस इज सच अ मतलब आई हैव नेवर बीन हियर बिकॉज इनवाइट ही नहीं किया कभी. आई एम सो सॉरी. तो मैं नहीं आ पाई, क्या कर सकती हूँ. मैंने कोशिश करी है मैं वो करूँ, क्या कहते हैं वो जो पार्टी में जबरदस्ती नहीं घुस जाते हैं तो वो लोग नहीं होते जो पार्टी क्रैशर्स होते हैं. मैंने कोशिश करी मैं पार्टी क्रैश करती हूँ, फिर मेरे जमीर ने मेरे को गवाही वो इजाजत नहीं दी है. तो फिर आज वो ग्रुप में डाला एनी वॉलंटियर, मैंने कहा भाई आ गया मौका, फटाफट ग्रैब इट. आई रेज माय हैंड, आई वांट टू कम. Because it's such a lovely initiative, you know, all the people together. Abhi main Acharya ji ko sun rahi thi, Manju ji ko sun rahi thi, and all the people. Ek hi cheez common hai sabme. We all are from different backgrounds, different families, different states of India, maybe out of India. But one thing common, we want to be happy, isn't it? Sab log yehi hai na, hum yahan pe kyun aate hain? Kyun jude hue hain sab log aapas mein? We want to be happy. I want to be happy. Who want to be happy? Say yes, yes, yes. तो बस चलने दो, ऐसा ही कुछ ना कुछ जो भी प्रोग्राम. तो थैंक यू फॉर बीइंग अ हैप्पी सोल, थैंक यू फॉर बीइंग अ हैप्पी पर्सन. यस मैम. ग्रेटफुल रहो, कुछ भी ढूंढते रहो जिंदगी में टू बी ग्रेटफुल फॉर. यस मैम. यस मैम. और उसी को बार बार दोहराना शुरू कर दो. दिस इज व्हाट And that will bring a level of happiness. जिसको जितनी आगे तक ले जाना है ले जाओ, मतलब शुरुआत वहां से कर लो. आगे तो राजन जी हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी, सो ही विल टेक यू लॉन्ग वे अहेड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटिफुल इन्विटेशन. पर मुझे करना है क्या मुझे पता नहीं, आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अब कोई था नहीं घर आने वाला कि मुझे पता क्या आ जाकर यहाँ पर. Actually, I was little busy, so I couldn't talk to you. But anyway, you are always prepared. So, हम क्या करेंगे, हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं. So, we are going to take your interview. So, interview में हम पहले हम generally पूछते हैं, how long you have been doing magic? So, ये जो शुक्राना है, thank you बोलना है, कितने टाइम से आप कर रही हैं? आपके साथ ही शुरू किया था राजन जी, आप अपना बता दो. राइट, आपके लिए वो क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है. सो देन द सेकंड क्वेश्चन वी वुड लाइक टू नो इज द ब्रदर, आई वुड लाइक टू नो हम लोग कब मिले थे उस कोर्स में. So I think it was in the month of April 2020 that you started the magic book for the first time. नहीं नहीं वो तो हमने यहाँ शुरू किया था ना कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर. हाँ जी. उससे पहले जब हम वहाँ पे BCI बिजनेस कोच कर रहे थे, बिजनेस कोचिंग 25 मार्च 2019 से शुरू हुआ था. 19 तो मेरे को पहली बार मैजिक बुक 2019 में मिली थी. तो पहली बार हम लोग मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर रहे थे, आप भी थे मैं भी थे उस कोर्स में, सब इकट्ठे थे हम लोग. एंड दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स ऑफ 8 months. तो 8 लाख का कोर्स कुछ प्लस प्लस प्लस. तो एंड उसमें एक क्लास कोई ऐसी थी जिसपे मैनिफेस्टेशन का था, एंड उसमें एक लाइन आई थी कि इफ यू वॉन्ट यू कैन डू अ बुक कॉल्ड मैजिक एंड बट इट इज वेरी गुड यू मस्ट डू. तो मैंने तो उसी समय ऑर्डर कर दी थी ऑनलाइन बैठे बैठे वहीं पे कोर्स के अंदर अंदर ही. तो मैं जब तक मतलब अगले दिन तक पहुंच गई थी मेरे घर. एंड देन बिकॉज टीचर ने बोला है और वो भी इतने महंगे कोर्स में बोला है, तो मतलब यार तो भैया कोर्स मत करो, कोर्स कर रहे हो, फीस दे रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो. राजन जी ऑल द वे नागपुर, पुणे, बॉम्बे से दिल्ली आते थे वो कोर्स करने हर हफ्ते. मैं तो दिल्ली से आती थी पर फिर भी काफी टाइम एनर्जी लगती थी. तो अगर किसी चीज पे आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना भरोसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको फुल्ली करो, है ना. तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर कोच ने बोला है मैजिक बुक कोई होती है तो करो. तो फिर बुलाया हमने चार बुक्स, मेरे चार पार्टनर, मैं और मैं, बिकॉज मैं आई हैड अ ह्यूज बिजनेस एंड उस बिजनेस को संभालना था. तो हम लोग वहाँ ऑटो पायलट सीखने गए थे कि बिजनेस जब हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा था उस समय ना, वी वर अबाउट टू ओपन इन कैलगरी, तो हमें
संभालना है, ऑटो पायलट करना है उसको, और प्रॉफिट्स भी बढ़ाने हैं. तो हम सीखने गए थे, तो हम चारों ने अपने अपने मैजिक बुक मंगाई, और मेरे हस्बैंड ने भी, ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, बट ही वाज डूइंग फॉर हिज ओन बिजनेस, उनका अलग बिजनेस है गिफ्ट आइटम्स का. तो हम पांचों ने अपना अगले दिन से शुरू करी, डे जीरो, डे वन, डे टू, डे थ्री करते करते, बट वी वर डूइंग इट फॉर आवर ओन, अपने आप. और वो दिन अलग था जब हमने तब की मैजिक बुक, मजा आया, करी हमने, और बहुत फर्क पड़ा अपने ऊपर, अपने जिंदगी में जादू आने शुरू हो गए. और फिर एक महीना करी, फिर रिपीट करी, रिपीट करी, फिर वो मैजिक बुक एंड में बोलती है पावर करो, पावर स्टार्ट करो, एंड में पावर का आता है मेंशन. तो पावर स्टार्ट करी, पर जब वो एक मजा था, परंतु जब लॉकडाउन हुआ और आपके साथ, और आपसे मैं पहली बार मैजिक बुक के थ्रू ही मिली थी शायद, yes. है ना राजन, मतलब yes. आपने कहा कि मैं मैनिफेस्टेशन की क्लासेस तो ले रहा हूँ, पर एक तो मैजिक बुक समथिंग वो मेरे को समझना है, या कुछ पता नहीं क्या बातचीत हमारी लंच टाइम में हुई थी, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू इन द क्लास. एंड देखो कितना अजीब और कितना प्यारा संयोग है कि बाद में जब हमने लॉकडाउन में स्टार्ट करी मैजिक बुक, तो मैंने अपने बिजनेस एम्प्लॉइज के लिए स्टार्ट करी थी, ताकि हर कोई पॉजिटिव बना रहा है. मी एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज ऑल्सो एक्स एल्यूमिनाई ऑफ बीसीएफ, तो उसको भी पता था मैजिक बुक के बारे में. तो हमने कहा शुरू करते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहेगी. घर में इतना डर माहौल, सब कुछ बड़ा नेगेटिव सा था कोरोना पीरियड की बिगनिंग, और हमने घर घर के लोगों ने शुरू करी, पर वो बढ़ता चला गया. फिर जूम आ गया, तो 100 लोगों तक का उसके अंदर हमें अलाउड हो गया था, तो हमने उसको फिर लिंक को कर दिया पब्लिक. एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, आप, मैं, अरविंद जी, एंड एक औरंगाबाद से थे और एक नेपाल से थे, जो हमारे बीसीआई के लोग थे. संजय वाज देयर, चार पांच लोग जो बीसीआई के. मैं भी था राजन भाई, मैं भी था, राजू सुनेजा. ओह यस, राजू भाई. अच्छा, यू नेवर स्पोक इन दैट सेशन. आई कुड नेवर, आई सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. नेपाल से जो आते थे वो तो काफी सवाल पूछते थे, और संजय, हाँ, और औरंगाबाद वाले भी काफी शेयरिंग करते थे अपने ब्रेक थ्रूज या ब्रेक डाउन की. तो आपसे कभी शायद हुई नहीं बातचीत, नहीं हुई, बट थैंक यू इफ यू वर देयर इन द बिगनिंग. तो पर एक वो जो एक स्पेस बनी, और एक जो काम शुरू हुआ उस समय अपने लिए शुरू किया, बट वो कब मल्टीप्लाई होता चला गया, होता चला गया, और लोगों की जिंदगियों में सच में मैजिक्स होने लगे. अपनी जिंदगी में तो देख रहे थे पहले होते हुए, पर औरों की जिंदगी में भी होने शुरू हुए. सो दैट वॉज सो एडिक्टिव. एडिक्टिव मतलब मजा आ रहा था उसके अंदर बहुत जबरदस्त, कि मतलब लोगों की सेहत ठीक हो रही है, पुरानी पुरानी बीमारियां ठीक हो रही हैं, रिश्तों में ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, घर पे बैठे बैठे उनके अच्छे बिजनेस चलने लग गए थे. वो इतना डार्क टाइम था, मुश्किल टाइम था, इवन अपने लिए भी, मतलब आई वोंट लाई, मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा टाइम देखा था जब लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो डर लगता था कई बार. बट हर बार मैजिक बुक शुरू करो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, एंड एवरी टाइम यू फील सो पावरफुल बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए. सो दैट्स वेयर द रियल कनेक्शन विद मैजिक बुक एस्टेब्लिश्ड. आई थिंक वो जो डार्केस्ट टाइम था ना, उसने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी दी, द मैजिक. सो एंड दैट्स वेयर द कनेक्शन गॉट सो स्ट्रॉन्ग, एंड उसके बाद तो फिर चलता ही जा रहा है. सो क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर दे दिया मैंने. थैंक यू सो मच. सो एक्चुअली जो लॉट ऑफ पीपल मे बी न्यू, तो हम जितने भी जो हमारी जो अभी पार्टिसिपेंट्स है, वी हैव ऑल लर्न हाउ टू से थैंक यू फ्रॉम अश्मिन जी ओनली. अश्मिन जी ने हमें 2.5-3 साल में हमें एक एक्सपर्ट बना दिया है, हमें समझा दिया है व्हाट इज थैंक यू, व्हाट इज टू फील ग्रेटिट्यूड, हाउ टू से ग्रेटिट्यूड, हाउ टू बी थैंकफुल, एंड वी हैव ऑल ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ ऑल बिकॉज ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we would like to know some magics, जो आपकी जिंदगी में जो जादू हुए हैं, जैसे कि now since you have mastered law of attraction, या maybe पहले से आप कर रही थी, maybe आपको पता नहीं था, you were practicing gratitude, you were practicing law of attraction, so what are the magics that has happened in your life, like we can share purely magic. आप जब किसी चीज को सुनते हो, कई बार उसको पर बिलीव करने में इतना टाइम ले लेते हो, या करते हो या नहीं करते हो. जैसे हमारे कोच ही बोलते थे कि मैं मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ, बट पूरे सेशन में से सिर्फ 20% लोग इस पे बिलीव कर पाते हैं या मैनिफेस्ट कर पाते हैं, 80% लोग नहीं कर पाते. तो 80-20 का जो फॉर्मूला वो बताते थे हमको कि नहीं करते लोग, लॉजिकल ज्यादा होते हैं. तो पर हमने पहली बार ये सुना और पहली बार ही बिलीव कर लिया कि हाँ ये तो होता है, हाँ ये मैजिक बुक तो होती है, ऐसा काम करता है. तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि
लाइफ में कभी ना कभी आपने उन फॉर्मूलाज को पहले घटित होते हुए देखा है अपनी लाइफ में, और आपने उस समय उसका नाम नहीं पता था, उसकी इक्वेशन नहीं पता थी, पर पता था कि ये होता तो है, जैसे कि आप कुछ बोलो और वो सच में हो जाए, तो ये तो होता है। अच्छा, इसका नाम मैनिफेस्टेशन होता है, हाँ वो अब पता चला। अच्छा अच्छा, आप जो बार 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 बातें रिपीट करते हो, बोलते हो, जैसे घर में लोग बोलते नहीं शुभ शुभ बोला बोलो, क्यों? क्योंकि आप जो बार बार बोल रहे होते हो वो सच हो जाता है। अच्छा अच्छा, जो हम बार बार बोलते हैं लिखते हैं सच हो जाता है, इसको एफर्मेशन बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये टेक्निकल टर्म्स हमारे को लेटर ऑन पता चली, जो एग्जैक्ट टर्म्स थी, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं या कर्मेंद्रियां होती हैं, पर उनके यूजेस नहीं पता, क्योंकि जो हमारे को बड़े बड़े ग्रंथों में या बड़ी गूढ़ भाषा में बताया जाता था वो नहीं समझ आता था। पर सुना तो है कहीं ना कहीं, कभी भागवत गीता का कोई श्लोक सुन लिया समझ लिया, कभी कोई पापा ने चौपाई सुना दी तो उससे सब कुछ समझ लिया, परंतु जब ये मैजिक बुक और मैनिफेस्टेशन की दुनिया जब आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया आई, तो वही सारे जो गूढ़ रहस्य हैं ग्रंथों के, बड़े बड़े स्मृतियों के, शास्त्रों के, वेदों के, जो कभी ना कभी हल्के फुल्के सुने हुए थे पहले, उन सबके साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ आई। ओ अच्छा, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। तो ज्ञान और विज्ञान का जब कॉम्बिनेशन होता है तो दैट्स वेरी इजी। मैजिक की दुनिया में क्या हो गया, पहले अपने लॉजिक्स क्लियर कर लो, लॉजिक क्लियर कर ले तो दैट्स साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड व्हिच यू आई थिंक यू ओनली स्टार्टेड, हमने वहां कोर्स में तो किया था, बट यू वर रियली ऑन टू इट दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आप ऑफलाइन क्लासेस दे रहे थे उस समय, फिर ये हो गया लॉकडाउन तो आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी, उसी में आपने एक दिन मुझे बुलाया था अपनी किसी क्लास में टू इंट्रोड्यूस द मैजिक बुक, एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रिमेम्बर। उससे पहले तो हम घर घर के लोग या अपने बिजनेस के लोग ही कर रहे थे, बट दैट वॉज द मोमेंट वेन दिस थिंग रियली बिकम अ social awareness, and so many people from different parts of India, part of world, started joining in, pouring in. या फिर अपने अपने सेशन स्टार्ट करे, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक है। आप बोल रहे हो मैजिक बताओ, मैं ये बोलूं यही सबसे बड़ा मैजिक है। मेरी दुनिया जो इतनी ग्लैमरस दुनिया थी जब तक हम कोर्स में थे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, माई बिजनेस, माई फैमिली, बच्चे, पेस्ट्री पार्टीज, ये वो, एंड आई नेवर थॉट ऑफ की हमारे अंदर कुछ हिडन डिजायर्स भी होते हैं। वी आर ब्यूटिफाइंग पीपल बट इट्स ऑल एक्सटर्नल, बट अपने अंदर भी लगता है यार, जो अपने अंदर जो झूठ छुपा है, अपने अंदर जो एक डार्कनेस होती है, उसको भी तो सुंदर बनाने के लिए हमें किसी जन्म में काम करना है। तो पहले मैंने अपनी बाहरी सुंदरता, यानी कि अपने घर, प्रॉपर्टीज, ये सब क्रिएट करी आउट ऑफ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो होता कैसे था, जैसे बचपन में, बचपन तो नहीं, बचपन की भी बहुत सारी बातें हैं बट जवानी की थोड़ी ज्यादा याद रहती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कहीं नौकरी करती थी किसी, जब मैंने अपना पार्लर खोलने की सोची, तो कोर्स किया पर अभी बना तो था नहीं अपना पार्लर, घर में छोटा सा एक कमरा भी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो तब तक कहीं नौकरी करी और हाथ भी खोलना था, थोड़ा पैसा भी कमाना था उस टाइम पर। तो एंड व्हेन आई वाज डूइंग दैट जॉब, इट वॉज इन कमला नगर, हाँ दिल्ली में जगह है बंगलोर रोड के ऊपर, तो वहां पर काम करती थी, वहां पर और स्टाफ लोग भी थे जो ओनर के लिए कुछ बुरा बुरा बोलते थे, तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटेंडेंस। तो मैंने मैम को कम्प्लेन कर दिया, तो अगले दिन जब वो स्टाफ पुराने वाला आया, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद मी कि आपने मैम को कम्प्लेन क्यों किया, अगर हम नहीं आए थे तो ये वो करके जो भी उन्होंने बुरा बोला मैम के लिए और मेरे लिए, तो I was saying, अब मुझसे ऐसे मत बोलो, गंदी बात मत करो मैम के लिए भी और मेरे लिए भी। तो कहते तू होती कौन है, एंड आई सेड मैं पता नहीं कौन होती हूँ नहीं होती हूँ, बट एक दिन इसी रोड पर इसी पार्लर से डबल पार्लर मेरा होगा और तू वहां पे जॉब मांगने आएगा, एंड ये बोलकर मैंने जॉब वहां से हट गई मैं, क्योंकि दे वर वेरी ओल्ड एम्प्लॉयज, एंड व्हाई आई सेड सो, बिकॉज आप अपने ओनर के लिए फेथफुल होने चाहिए, उनका भला सोचना चाहिए, उनके बुरा क्यों करते हो आप हाई सीजन के अंदर छुट्टी मारकर। तो फिर दीदी ने बहुत बोला कि मत जाओ जॉब छोड़कर, मैंने कहा नहीं दीदी आपको ये जरूरी है, इस समय या तो ये रुकेंगे या मैं रुकूंगी, और इनका भी होना जरूरी है, सीजन हाई है, हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट सब कुछ चाहिए, एंड आई लेफ्ट द जॉब, एंड मतलब मैं उस चीज को भूल गई, क्योंकि उसके बाद बहुत जिंदगी स्पीड में चलती है, घर, बच्चे, घर, सब कुछ, एंड आई वॉज मेकिंग माई ओन पार्लर, एंड फिर मैंने एक छोटा सा पार्लर शोकविहार में खोला, और वो चलता 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 चलता, कई बार हम चीज बोल के भूल जाते हैं, एंड हमने शायद उस हमने शायद अच्छे इंटेंशन से तो बोला था, पर हम ही भूल जाते हैं।
And पता नहीं कैसे कैसे करते हुए I was opening my salon in Upvihar, then South Head, then Pacific Mall, the Moment Mall, Pusa Road, Preet Vihar. And slowly, slowly, my partner was saying कि एक हमें ना North Campus में भी खोलना चाहिए. Students बहुत ज़्यादा demand करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है आप जगह देखो. मतलब वही बंगलोर रोड के ऊपर उन्होंने जगह देखी, सबसे हैप जगह वही थी उस एरिया में. एंड हमने एक फ्लोर लिया और हम जब वो एक फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, काफी अच्छा बड़ा फ्लोर था, तो उसका जो ओनर आया वो आके कहता है, क्योंकि वहां पे उसी फ्लोर के साइजेस के सारे रोड पे वो आउटलेट्स हैं, तो ही सेड कि मेरा ना ऊपर वाला फ्लोर मैं कमर्शियली दे नहीं सकता क्योंकि ये वाला फ्लोर है, पर आप अंदर से अगर निकाल लोगे मेज़नाइट या अंदर से सीढ़ी निकाल दोगे ना तो आपका पार्ट माना जाएगा, तो आप इसको मेरे से बेशक आधे रेट पे ले लो पर ले लो. एंड वी वर वेरी हैप्पी, आधे रेट पे मिल रहा था, मतलब इतनी बड़ी जगह तो हमने ले ली क्योंकि अंदर से सीढ़ी तो अलाउड थी निकालनी. एंड दैट्स हाउ एनीवेज द डबल exactly double of that area salon and academy was constructed. And one day I was sitting in my salon, बहुत पुरानी बात हो चुकी थी उस incident को, मेरे ख्याल 10 साल हो गए होंगे. And I was sitting in one of वाले academy में, because that was so shocking to me. Shocking मतलब मेरे से senior employees थे, मेरे से ज़्यादा capable थे. But I think your capability or skill is just one part of the game. The main part is how much you are using the other tools of law of attraction and manifestation. And meri to samesh I think 12-13 branches ho chuki thi aur ek din main kamla nagar ki branch mein gayi, wahan par ho gayi meri session, to main apne room mein baithi hui thi aur bahar hr ka room tha, hr ka room was on the other side, aur bahar sare employees jo trial dene aate hai na apna jis din hiring chal rahi hoti hai, to and I saw the same person jisse meri baat cheet hui thi, wo wahan pe baitha tha apne job ka interview dene ke liye. And that was the moment I realized, oh my God, universe, you hear everything. Chahe ye tha, ek hamara Pusa Road pe unit tha, matlab bahut bada unit. Like once I went to a person, I think us samay main landmark mein thi, aur landmark mein hum log introduction leaders the. Introduction matlab why I'm telling you, because manifestation affirmations kitni zabardast tarike se kaam karti hain. और ये इतनी कमाल की दोधारी तलवार होती है कि हम लोगों को अपनी जुबान बड़ा संभाल के बोलना चाहिए. एवरीथिंग इज बीइंग मैनिफेस्टेटेड, तो अच्छा भी हम ही बना रहे हैं और बुरा भी हम ही बना रहे हैं. तो ये कई बार तो बहुत डर भी लगता है यू नो, क्योंकि आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. अगर आप पावर मांग रहे हो, ये मैजिक की पावर, ये शक्ति आप अपने अंदर मांग रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा. ब्लैबरिंग, यू शुड स्टॉप व्हाट यू डोंट वांट टू से और डोंट वांट टू हैव इन योर लाइफ. Speak very carefully, speak very, very well, मतलब wisely. तो ये एक responsibility भी आ जा करनी पड़ती है आपको उसके बाद. तो I think Pusa Road पे वहाँ पूरा एक road है जिसको Pusa Road ही कहते हैं, तो उसके सारे bungalows हैं, बड़े बड़े bungalows हैं with very good garden in front and drive yard, अंदर ही पूरा porch बना हुआ है उनका, बहुत अच्छा. तो I went to a seminar leader's house, मेरे को अपना sign off कराना था कुछ, अपना लैंडमार्क में चलता है सब कुछ ना, अपना कुछ मेरे को अपना कुछ क्वेश्चन या साइन ऑफ कराना था. और जब मैं उसके वहां पे उसने घर में पहुंची, उसके ड्राइवर ने उनके गार्ड ने डोर खोला घर का, तो बाहर से इतना बड़ा दरवाजा खुला, पूरा हमारी गाड़ी अंदर चली गई और इतना बढ़िया गार्डन और बढ़िया सा घर एंड वेरी लश ग्रीन एरिया. एंड आई वॉज थिंकिंग वाओ कितना अच्छा एरिया, यू नो वेरी नाइस हाउसेज ऑन द रोड, बड़ी अच्छी रोड है. एंड उस रोड को मैंने वैसी एनर्जी दे दी, पहली बार गई थी शायद उस रोड के ऊपर, और उसी घर से सिर्फ तीन घर आगे, सिर्फ तीन घर आगे करके, लाइक आई डोंट नो हाउ, बट वी ओपन्ड अप आवर बिगेस्ट स्टार एकेडमी इन दैट एरिया, बिगेस्ट यूनिट, ब्यूटीफुल पार्किंग एरिया, ब्यूटीफुल लोकेशन, एवरीथिंग वाज सो गुड. मतलब ये चीजें, मतलब पूरी दिल्ली में वाई ओनली दैट एरिया, हाँ वाय. और वो क्या आप बोलोगे तुम भी तो लेते हो, नहीं नहीं हम वी आर ए पार्ट ऑफ टीम, हमारी टीम है पूरी, एक्सपेंशन टीम होती है, तो मेरे पार्टनर्स मोस्टली एक्सपेंशन संभालते थे सारी, एंड आई यूज्ड टू बी ट्रेनर. तो ऐसे करते करते इतना सारा है, साउथ एक्स की यूनिट ऐसा बना, प्रीत विहार की यूनिट ऐसे बनी, मतलब आज जब मैं ये साइंस समझती हूँ तो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शायद बच्चे भी ऐसे पैदा हुए, हस्बैंड भी ऐसे ही मिले. मतलब आई ऑलवेज वांटेड अ गर्ल एंड अ बॉय एंड हाउ मच इट वाज इन्वेस्ट. मतलब होता है ना, आप जो चाहते होते हो आपकी जिंदगी वैसे ही बनती है, पर हम ही कई बार अपनी जिंदगी में रोशनी भी डाल रहे होते हैं और अंधेरा भी डाल रहे होते हैं. तो नीड टू बी वेरी केयरफुल प्रॉपर्टीज एंड सेलिब्रिटीज, बिकॉज आई वॉज अ नॉर्मल हाउसवाइफ गर्ल, बट आई हैड बिग ड्रीम्स ऑफ
being star studded, यानी कि अच्छा लगता था मुझे अगर काम कर रहे हैं किसी बड़े celebrities के साथ. तो I think Bollywood में my dream was to be with Akshay Kumar. It was my initial dream. कि मतलब बस उससे मिलना है, उससे मतलब बस उसके साथ अकेले बैठ के गप्पे मारनी है, तो गप्पे मारनी है ऐसे, मतलब ऐसे बस उसे हंसना खेलना है, डांस करना. तो मतलब लोगों को कई बार लगता है कि ये सपने सपने ही रह जाते हैं, पर एक्चुअली मैं देखा है कि हाउ यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट. एंड वन डे आई वाज एक्चुअली देयर विद अक्षय कुमार, फिर एक बार, दो बार मिले, तीन बार मिले, चार बार मिले, एंड इट्स गोइंग ऑन टिल आई नीड टू सी कि वेदर यू वॉन्ट मोर, नो देन इट्स ओके. Then Salman Khan, Shahrukh Khan, मतलब Hrithik Roshan, Varun Dhawan, Ranveer Singh, Ranveer Kapoor, unending list of people that I really wanted to meet. And then Amitabh Bachchan ji, I really wanted to take blessings from him, awards, मैं makeup करना था, तो Jacqueline Fernandez, मतलब मन करता था कई बार ना कि क्योंकि दिल्ली से बाहर तो नहीं जाना था, बट दिल्ली में ये लोग आए और हम इनके साथ काम करें, तो अपनी टीम्स जो हमारे अकेडमी की टीम्स हैं, मेकअप एंड हेयर अकेडमी, ये लोग बच्चों लोग जाएं मूवीज में मेकअप करें, टीवी सीरियल्स में मेकअप करें, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं, तो ये क्यों, क्योंकि मन करता था ये सब कुछ हो हमारे साथ भी, हम जीरो से स्टार्ट करें. एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, हाँ, घर में मतलब बिल्कुल नॉर्मल घर, शादी हो गई 19 में, 20 में प्रेग्नेंट, 21 में मम्मा बन गई. तो फिर एक घर का माहौल होता है जहां पर आपको झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी सब्जी सब संभालने हैं, पर आप ये तो नहीं अपने सपने देखने छोड़ दो, है ना. लोग सोचते हैं अब क्या, अब तो हमारे किस्मत खत्म हो गई, अब तो हमारे पास कुछ नहीं, अब तो लेडीज भी ऐसे सोच लेती हैं, आदमी भी ऐसे सोच लेते हैं. आई ऑलवेज से जब जागो तभी सवेरा. If you are really honest with your dreams, अगर आपके सच में सपने और आप उनके लिए ईमानदार हो, तो सपने पूरे होते हैं. उम्र doesn't matter, capacity doesn't matter. मतलब अगर मैं जीरो पे स्टार्ट करके जो जो मेरे सपने थे कि यहाँ घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, वो जाना है, सब कुछ, यहाँ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, सब कुछ, इससे मिलना, उससे मिलना, सब कुछ, अवार्ड लेना, ये लेना, ले लो, आपको ये ज्वेलरी चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए. मैंने लाइफ में एक चीज एक्सपीरियंस करी है, यू शुड नो द राइट वे, राइट प्रॉपर फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट. अभी राजू जी थे एंड उन्होंने जब शेयर किया था कि उन्होंने अपने मैनिफेस्ट की थी अपनी फैमिली के लिए, बेटी के लिए, और उनकी वाइफ ने भी एक बार शेयर किया था, आई होप उन्होंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके भी बताया हो कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए लाइफ तीनों ने मिलकर मैनिफेस्ट करी है. तो वो एक मोमेंट था जब आप देखते हो कि जो चीज आपने पूरी जिंदगी अपने लिए टूल को इस्तेमाल किया है, वो कैसे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना रहे हैं, और आगे आने वाली जिंदगी के लिए भी वो पहले से सजग है, कॉन्शियस है, और अपनी जिंदगी को मनचाहा बनाने के लिए अलर्ट है. आई वुड से अलर्ट एंड अवेयर है. कई बार हम बह जाते हैं अपने इमोशंस में, ड्रामेबाजियों में, और हम ही अपने नुकसान कर लेते हैं. जो अलर्ट होते हैं उसको पता चल जाता है कि ओके, वी नीड टू बी रियली रियली अवेयर, एंड व्हाट आई वांट ओनली दैट शुड बी मैनिफेस्टेड इन अ साइंटिफिक वे. तो यही तरीका था इसमें, और जो पूछना पूछ लो. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. तो अश्विन जी ने आज हमें एक चीज बताई, आज वो ये बताई कि नाउ सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग मैजिक, थोड़ा पावर आ गया है हमारे में, सो नाउ यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर स्पीकिंग. हम जो बोलते हैं उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज नाउ वी आर इन द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी आर लर्निंग हाउ टू से थैंक यू, थोड़ा पावर आ गया है हमारे में. सो बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, एंड स्पीक ओनली व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. दिस इज द मैसेज व्हाट वी गॉट फ्रॉम अश्विन जी. ओके, सो अश्विन जी, आपने अपना बिजनेस, नाउ यू स्टार्टेड एज अ हाउसवाइफ एंड यू हैव क्रिएटेड एन एम्पायर फॉर योर सेल्फ. Just an ordinary girl with no business background. उनके जो parents थे वो भी पुलिस में थे, आपके पास ऐसा कोई background नहीं था business का. How did you create? So what is the secret? हमें वो secret सुनना है जिससे हम भी हमारे business में apply करें and we also can be that successful. Kindly share some of your secrets. हाँ, क्योंकि मेरे को जब मैंने because business में मम्मी पापा तो दोनों government servant थे, तो business का उल्टा मेरे को तो डराया जाता था कि मेरे पापा कहते थे कि ये ना बिजनेस जो है ना बिजनेसमैन के काम, मतलब व्यापारी लोग ही व्यापार करना जानते हैं. तो वो एक कहावत कहते थे कि जिसका काम उसी को साजे, कोई और कर दे तो पता नहीं कौन लगे कुछ और लगे कि जिसका बेड़ा, काम बेड़ा बाजे और करे तो बेड़ा बाजे. हाँ,
उन्होंने क्या लागे मैं अपने मुंह से क्यों अपनी तारीफ करूं तो वो पापा कहते थे कई बार तो बट आई वाज ऑलवेज क्लियर कि अब तो घर पे ही क्योंकि माय हस्बैंड सेड कि आपको जो करना है घर पे रह के करना है बाहर नहीं जाना तो जॉब तो वाज टोटली नो ना तो घर पे रह के करना है तो घर पे क्या कर सकते हैं तो कुछ आता तो था नहीं बिल्कुल ही नहीं आता था क्योंकि फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी तो घर पे रह के तो तीन ही काम होते हैं या तो कोचिंग सेंटर ट्यूशन पढ़ा लो बच्चों को या बुटीक खोल लो या पार्लर यही चलते थे उस जमाने में 25 साल पहले की बात है तो पढ़ाने पुराने जैसे जितनी तो अपनी कैपेसिटी थी नहीं तो खुद ही नहीं पढ़े लिखे थे फर्स्ट ईयर में तो थी बाद में कर रहा थर्ड ईयर पूरा जब मतलब कि बच्चों के एडमिशन के लिए होता है ना ग्रेजुएट होना जरूरी होता है तो वो पूरा कंप्लीट किया वो अलग बात है कि ज्ञान पढ़ाई लिखाई की एक बहुत तड़प थी पढ़ना तो था तो पढ़ाई लिखाई चलती रही आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो रहा कि कुछ ना कुछ कोर्सेस करती रही हमेशा जब भी टाइम मिला पैसा मिला एनर्जी थी तो कभी कुछ करते करते लैंडमार्क तक पहुंचे ओशो पहुंचे ईशा फाउंडेशन पहुंचे विपासना पहुंचे कुछ भी DCI पहुंचे तो कुछ ना कुछ चलता रहा तो जिंदगी में एक चीज जो मैंने सीखी है किसी ने बोला था शुरू में हाँ शीतल जी ने बोला था गुरु तो अपनी गलत फहमी दूर रखूं इसलिए मैंने अपने आप को परमानेंट सिख बना दिया सिख मतलब जो सीखना चाहता है लर्नर तो आई हैव बिकम अ सिख to actually make me alert and aware about that I'm a learner and I will be learning all through my life to ye ek cheez hai number 2 kya kiya I think one thing which was very clear from the very beginning ki kisi se compete karna kisi ko follow karna ya kisi se jalan karke business karna that was never there I knew ki jo meri kismat mein hai wo koi aur nahi le sakta aur jo uski kismat mein hai wo main nahi le sakti to apne apne kaam pe dhyan rakho तो अपने काम पे ध्यान रखो और अपनी क्रिएटिविटी को उसमें डालो कुछ ऐसे आइडियाज जो आपके ओरिजिनल आइडियाज हो तो आप क्रिएटिव कब होते हो जब आप थैंकफुल होते हो अपने लिए तो अपने आप के लिए थैंकफुल होना और आपकी क्रिएटिविटी पे लोग भरोसा कर रहे हैं हाँ आप कह रहे हो ये फेशियल करा लो लोग कहते हैं ओके आपके तो ये हेयर कट करा लो लोग कहते हैं ओके आपके तो ऐसा मेकअप कर दूं आप कहते हैं ओके भाई आप पे वो इतना बड़ा भरोसा कर रहे हैं क्या आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए थैंकफुल होना चाहिए हाँ मतलब हर इंसान मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए अपने सप्लायर्स के लिए आप घर पे बैठे हो आपने एक फोन किया आपको उसी समय हाइड्रोजन की 4 बोतलें इमरजेंसी में चाहिए सप्लायर आके दे गया आप बोलोगे तो उसका काम है अरे वो अगर ना दे के जाएगा तो फिर सोचो तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल होगा है ना तो अगला अगर दे के गजा रहा है कई बार ऑड टाइम्स पे भी हेल्प कर देते थे सप्लायर्स तो उनकी पेमेंट्स ठीक टाइम पे कर दो यार क्योंकि वो उनकी भी तो फैमिली बच्चे वगैरह होते हैं हाथ के हाथ पेमेंट अगर दे सकते हो तो दे दो और हमेशा थैंकफुल के दो कि थैंक यू भैया आपने ठीक टाइम पे सामान पहुंचा दिया थैंक यू लॉन्ड्री वाले को लॉन्ड्री वाले गाउन्स टॉवल्स वगैरह ले जाते थे तो हम अक्सर ना कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं जिंदगी में कि ये नहीं हुआ क्लाइंट नहीं आ रहे क्लाइंट के पैसे नहीं आ रहे पर जो हो रहा है उसके लिए थैंकफुल रहना भी तो हमारा ही काम है तो आई थिंक दिस वॉज वन थिंग विच वॉज देयर इन डिफरेंट वेज क्लाइंट को खुश रखना पॉजिटिव बना के रखना तो जितने डिग्री तक ये हुआ मैं ये नहीं कहती 100% हुआ होगा बिकॉज आई एम अ ह्यूमन तो सोच लो 92-95% हुआ होगा 2-4-5 बार तो क्लाइंट गुस्सा कर भी देते थे है ना तो मतलब 100 में से 2-3 तो हो जाता है ना गलती हमसे भी हो जाती है उनको भी गुस्सा हो जाता है हमको भी गुस्सा हो जाता है तो ठीक है आई थिंक 95 इज मैंने लाइफ में सीखा है कि 95 इज अ गुड मार्क तो मतलब कि आप 100 के चक्कर में ना अपने आप को उल्टा 0 पे भी ला सकते हो क्यों क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते हो आप बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हो 100 करने के चक्कर में तो बी ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल इजी रहो हाँ परंतु जितना भी है जो भी आ रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहो और जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है चाहे आपके स्टाफ मेंबर हैं सप्लायर्स हैं क्लाइंट्स हैं आपके इवन मशीन्स हैं हमारे तो हिंदुज्म में कितना अच्छा सिखाया जाता है ना जैसे विश्वकर्मा डे है विश्वकर्मा डे तो विश्वकर्मा डे हाँ तो उस दिन क्या करते हैं हम लोग अपनी मशीनों के लिए भी हम थैंकफुल होते हैं उनकी पूजा करते हैं तो यानी कि इवन देयर एनर्जी तो अपने कैंची का अपने सीजर्स का उसका कॉम्ब का अपने ब्यूटी स्टूडियो का हम हर चीज को थैंक यू करने तो
जरूरी है ना साल में एक दिन करना है। आप हर रोज सुबह जब अपने बिजनेस में कहते हैं ना सुबह हम लोग धूप बत्ती करते हैं, तो धूप बत्ती जब पूरी आप अपनी शॉप में या शोरूम में घुमाते हो तो उस समय यही तो करना होता है, हर चीज को धूप देते हुए क्या कहना होता है, थैंक यू प्यारे गले, थैंक यू प्यारी लाइट्स, थैंक यू प्यारे एयर कंडीशन, थैंक यू प्यारे प्लम्बिंग सिस्टम्स, आपके आपके ऑफिस में वॉशरूम्स अच्छे चले, आपके वाटर सिस्टम, आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपकी वायरिंग डली हुई है, हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी को आप सुबह शाम, लोग जनरली मॉर्निंग में सुबह अपना चाह के करते हैं और एक बार शाम को संध्या वेले में, तो ये तो करना चाहिए, आपको घरों में भी करना चाहिए, अपने अपने बिजनेस हाउसेस में भी करना चाहिए कि हर चीज को वहां पर लाइटें क्यों ऑन करनी है, ताकि रोशनी को भी आप थैंक यू कर पाओ, सुबह की रोशनी, शाम की रोशनी, हर चीज के अंदर अपने आप की कृतज्ञता को डालना। आई थिंक दिस इज जितनी बार मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है इट ऑलवेज टुक मी हायर, और मैं भी इंसान ही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कई बार कंप्लेनिंग भी हो जाते हैं हम लोग, हाँ कभी कोई स्टाफ ने गंदी बात कर दी, छोड़ के चले गए या धोखा दे दिया, चोरी वोरी कर ली, तो हम गुस्सा भी कर देते हैं, फिर हम कई बार गुस्सा आता है मतलब अच्छा वाला गुस्सा भी आ जाता है, फिर जितनी बार गुस्सा आया, जितनी बार नेगेटिव हुई, उतनी बार मेरे को पता चला बाद में कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्यों, क्योंकि कर्मों की दुनिया है, आपको सिर्फ अपने कर्म संभालने, अगर दूसरे ने गंदा कर्म किए, गलत बात करी है, वो अपने कर्म खुद भुगतेगा, पर हम लोग ये कहाँ मानते हैं, उसने गलत बात करी, उसको सबक सिखाने के चक्कर में हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उल्टा उसके साथ और बुरा करने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में सारा इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है और हम अच्छी खासी सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते नीचे उतर जाते हैं। तो ये तो चीजें लाइफ में सीखी, तो अब तो पता चल गई कि हाँ, और अब आई मीन हम ही ऊपर जा रहे हैं और हम ही नीचे ला रहे हैं अपने आप को, There's no one else in the world around. Only you are the one. तो I think ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई लाइफ में, तो संभाल लिया, जब तक मैं देखो सच बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती 100% मैंने इसको प्रैक्टिस किया, परंतु 95 तक तो किया होगा तो मेरी जिंदगी में इतना कहती हूँ कि चलो मैं 95% भी ले आई हूँ तो चलो अच्छा ही है स्कोरिंग, मतलब मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आज अगर सोती हूँ तो चैन की नींद सोती हूँ, तसल्ली है, सेटिस्फेक्शन है, यूं लगता है कि जो जिंदगी में पाना चाह सब पाया है, तो एक ये सेटिस्फेक्शन होना कि वट एवर आई वॉन्टेड आई हैड, एंड जो भी मतलब आई हैव बीन देयर डन दैट, और अब लाइफ में आगे बढ़ना है, एक जो जर्नी है एक मटेरियलिस्टिक रेलम से इंटेलेक्चुअल रेलम की और स्पिरिचुअल रेलम की, तो लगता है कि अब इस तरफ भी बढ़ना है, तो आई थिंक ये भी लाइफ में पाना अपने आप में आई थिंक इट्स वर्थी ऑफ माई लाइफ, सो दिस इज माई, आगे आप पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट वी लर्न, द सीक्रेट ऑफ आश्मीन जी का जो सक्सेस है, उनका ये कहना है कि बिजनेस करने के लिए ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड चाहिए बिजनेस का, ना ही कैपिटल चाहिए, ना ही कोई ज्यादा एजुकेशन चाहिए, अगर आपको पैसे कमाना है तो कोई और चीज भी चाहिए, ये सब चीज नहीं भी रही तो भी आपको जो चाहिए वो माइंडसेट चाहिए। One more thing, what she told us. So, what is the lesson that we learn? Always be a learner. Aashmeen ji ko jahan knowledge milta tha, wahan jaake wo knowledge collect karti thi. Jaise ke Vipassana gaye, Isha Foundation gaye, BCI gaye, Landmark Forum, to unhone bahut dino tak chalaya, unhone bahut dino tak unhone lead bhi kiya. To she was a learner. Understand? Ye hum jo yahan par जैसे हमने 9 से 9:30 का जो स्लॉट रखा है वो टीवी सीरियल जो आते हैं या न्यूज देखने की बजाय हम ये सोचते हैं कि आप यहाँ पर आके कुछ ना कुछ सीख के जाओ। सो ऑलवेज बी अ लर्नर, दिस वाज वन थिंग व्हाट शी सेड, नो कंपटीशन, नो जेलेसी, दीज आर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस में रहोगे तो अपने सपनों से दूर चलते जाओगे, एंड सबसे पॉजिटिव इमोशन है लव एंड ग्रेटिट्यूड, जो उन्होंने हमेशा किया, शी लव्ड हर वर्क, हमने तो यहां तक सुना है उनके मुंह से कि इन्होंने कभी मैनिक्योर भी कर दिया किसी का, किसी को चाय भी पिला दी, क्लाइंट को समोसा खिलाए, क्या क्या करते थे, फ्री में मसाज दे देते थे, तो शी वॉज ऑलवेज अ गिवर, गिव मोर देन वॉट यू हैव प्रोमिस, सो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स जो आश्मीन जी ने अप्लाई की और वो इतने बड़े सक्सेस हो गए। उनके बाद में उनका मेन मुद्दा आता है अब थैंक यू, शुक्राना, शी वॉज ऑलवेज थैंकफुल टू हर स्टाफ, मतलब जब पगार भी देती थी तो थैंक यू बोलती थी, विश्वकर्मा के दिन पे क्या हर रोज, मतलब जैसे उनकी जो मशीनरी रहती है, फॉर एग्जांपल उनका सीजर रहता रहेगा या यू नो स्टीम एंड व्हाट अ लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, शी वॉज ऑलवेज थैंकफुल
She was thankful for the machinery. She was thankful for the clients. She was thankful for everything. So this is one very important lesson that we have learned, that you have to be happy with what you have so that you can attract more good things to yourself. Jab tak aap gratitude karoge, achhi cheeze aati rahengi. Be thankful to whatever you have. Okay, so Aashmeen ji, are you there? Yes. I think unka shayad network chala gaya hai. Nahi hai abhi. Acha hai. Okay, Acharya ji, aap kuch puchna chahenge Aashmeen ma'am ko jo hume enlighten kar sakte hain. Ji, jarur. Thode. Aashmeen ji. Ji, haan ji. Aapko बहुत-बहुत धन्यवाद है और बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो आप इतनी अलग जला रहे हैं. और कई बार क्या होता है कि आप जितने लोगों से मिलते हैं, शायद हमार को उससे ज्यादा मन चलता है कि देश में विदेश में लोग आज आश्विन मैम को शुक्राना और कहीं ना कहीं धन्यवाद के नाम से ज्यादा जानती हैं. और हमें हमार को आपके सपने भी मालूम है. और जो देने की बात की अभी राजेंद्र सर ने कि आप लोगों का देने का भाव जो है, और अगर हम कहें तो हम में से बहुत लोग प्रेरित हुए क्योंकि आप लोगों ने बोला कि अपने सेशन शुरू करो, जैसे आते हैं आप करो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे. और ना केवल आपने बोला, वो आपने करके दिखाया. पिछले 3 सालों में मैंने जितना आपको फॉलो किया, जो आप कहते हो वो आप करते हो. बस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस चीज को और बढ़ाने के लिए जो हम लोग अभी आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि 3 नोट देना शुरू करो. कई लोगों के ब्लॉक थे पैसा देने में, आज लोगों ने देना शुरू किया और ये मानना शुरू किया कि उनको देने में इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कोई वो नहीं है. और 10 रुपए के नोट से शुरू किया था, आज पैसों से ज्यादा उनको वो खोजते हैं कि बस अगर आज वो निकले नहीं है संडे के दिन, तो घर से बाहर निकलकर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए. तो बस ये कैसे आप कितना कर पाते हो, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं सुबह भी 2 घंटे का सेशन, आप गुरु ग्रंथ का भी सेशन लेते हो, और उसमें तो मैं आपको जितना नमन करूं वो संख्या जैसी भी हो, आप इतना इतना देते हो, वो कैसे हम लोग अपने अंदर देने का भाव और बढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन है ये. जी, जितना दो भावना है तो कोई भी चीज की तभी गहराई में जाती है जब आप उसी चीज के अंदर बार 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 निरंतरता लाए रखो. तो निरंतरता मीन्स जो भी चीज आप चाहते हो, लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला भी क्या बोलता है कि जिस भी चीज की क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हो उसका देना शुरू करो, देना शुरू करो. तो फॉर्मूला यही है. अगर आपको पैसों का मैग्नेट बनना है, पैसों के सर्कल चलाओ. खुशियों का मैग्नेट बनना है, खुशियों का सर्कल चलाओ. जैसे कि अब हम कल परसों से एक नई गेम शुरू करने वाले हैं, गुड न्यूज. गुड न्यूज मतलब हर इंसान अपनी जिंदगी में गुड न्यूज चाहता है. मतलब हाउ मेनी ऑफ यू वांट गुड न्यूज इज इन योर लाइफ? एवरीवन वांट टू हैव गुड न्यूज इन देयर. मी वांट टू हैव इट बट यू कैन नॉट. आई वांट मैम. Until unless you give it. So, rule kya hai? Give and take. You can take good news is only when you give. So, aaj hum game chalane wale hain, to usme ye hoga ki aapko har roz koi na koi 3 good news kisi ko deni hai. Jaise abhi mere husband aaye ghar, to aate hi maine sabse pehle bola, good news! Aaj aapke liye spring rolls bane hain. Mere favorite. To, wo good news to hai na, ki aaj ghar mein spring rolls bane hain. Mere favorite. To, par unko तो उसी तरह से गुड न्यूज कुछ भी बना सकते हो ना. गुड न्यूज तो कुछ, मैंने तो पापा को अभी फोन किया, मैंने कहा गुड न्यूज क्या हुआ? मैंने कहा पापा आप जिंदा हो. तो ऐसे करके लाइक गुड न्यूज, आपने गुड न्यूज बांटनी है मैक्सिमम. मतलब मैं तो सोच रही थी वो किस किस को क्या गुड न्यूज दे सकती हूँ. तो ढूंढो, गुड न्यूज बांटना शुरू करो हर किसी को. गुड न्यूज मतलब जो भी जो आपको लगता है कि दिस इज लाइक something that you can give as a good news to someone. मैं जैसे मैं एनी को बोला, मैंने कहा एनी गुड न्यूज, कहती क्या हो गया? मैंने कहा मामा लव्स यू. तो ऐसे करके दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट स्प्रेडिंग गुड न्यूज़. तो क्या होगा, व्हाट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. तो वो एक घूम घूम कर आप तक वापस आनी शुरू हो जाएंगे विद इन सम टाइम. तो आपको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए, स्टार्ट गिविंग इट एंड गिविंग इज अ ब्यूटिफुल जेस्चर. करके देखो इतना मजा आता है. देखो कभी कभी हमारे अंदर स्टिंजीनेस आ जाए, पहले से बॉर्न कर देते हो, हम इंसान है. ये मत सोचना हम देवता, क्योंकि जो देवे जो गिव करे, जो देवे वो देव, वो देवी है ना. तो अभी हम देव और देवी बने नहीं है, हम उसकी प्रोसेस में है ना.
तो कभी कभी हमें देने में कुछ रह सकता है, बीच में थोड़ा नेगेटिविटी आ जाए, तो उस टाइम पे अपने आप को समझा देना, कोई बात नहीं, तेरे अंदर जो भी हो, तेरी इंसानियत आ गई है बाहर, बट स्टिल अगेन कम अप एंड बी इन द गिविंग फॉर्म, बी इन द गिविंग फॉर्म. क्यों? क्योंकि आपके अंदर की दैवीय शक्तियां सिर्फ तभी बाहर आ सकती है जब आप देने 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 की भावना में बने रहो फॉर अ लॉन्गर पीरियड. कुछ भी दे दो यार, ये गुड न्यूज वाला बड़ा सही रहेगा. चलो पैसे देके देखे मजा आया ना, अब गुड न्यूज देंगे. ठीक है, तो चलो सब लोग गुड न्यूज खूब सारी गुड न्यूज देंगे, मतलब एवरीवेयर. आप अपने सैलरी देनी है अपने स्टाफ मेंबर को, पता है देनी देनी है, 5 तारीख आ रही है तो देनी होगी ना, हर स्टाफ को बुला के गुड न्यूज, तुम्हारा सैलरी आ गया, पैकेट तैयार है, गुड न्यूज. तो आपने अपने बस मैक्सिमम गुड न्यूज है बाहर निकाल सबको देनी है. चलो अपने अपने आइडियाज दो, कौन कौन सी गुड न्यूज आप सब दे रहे हो. मैम गुड न्यूज में ज्वाइन कर लीजिए सेशन. वाओ गुड न्यूज, वाओ वाओ, मैम गुड न्यूज, आई वांट मेरे को 2 एस्प्रेसो का ऑर्डर मिला आज. गुड न्यूज, हमने मैम का क्लास सुना आज. गुड न्यूज, शेयर कर रही है, प्लान्ड अ पिकनिक. गुड न्यूज, मैम आई हैड अ गुड न्यूज, आई गॉट 10,000 rupees इन माई अकाउंट टूडे. ये एंड द गुड न्यूज इज दैट वी आर मीटिंग इन दिल्ली फॉर अ पार्टी. आज आप हमें अनसीन मैम से मिले, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज. मैम गुड न्यूज, आज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया. मिले, I love you, Aashmeen ma'am. This is a good news. Ma'am, आज मौसम बहुत हसीन हो गया. Wow. मौसम ma'am, good news, आज मैं ये भी खाऊंगी स्प्रिंग रोल. Wow. Good news, मैंने पर्सी डोसा खाया. Wonderful. मैंने पानी पूरी बनाया. Good news, ma'am. मैंने आज ठंडी ठंडी खीर खाई. Wonderful. Good news, ma'am. आप आई बाहर आई. Good news, ma'am. Good news, I enjoyed the kitty today. Good news, ma'am. आज मैं अमृत मेले उत्तर पास कर पाई, अमृत मेला संभाल पाई. Good news, ma'am. हमने नई आइडिया मिला. तो बस good news कि आज मैं आपसे मिल पाई, ma'am. हमें एक और चीज दी है और वो है गुड न्यूज वाली गेम. गुड न्यूज ये है कि आश्मीन जी, अरविंद जी और एनी आर कमिंग टू लोनावाला रिट्रीट ऑन 2nd to 5th of July. थैंक यू वेरी मच. So this is a very big good news. जिन जिन लोगों को चाहते हैं 4 दिन साथ में रहेंगे और सीखेंगे आश्मीन जी से और कुछ नई नई बातें. And you are on mute. Sir, मैं तो हॉलीडे करने आऊंगी, राजन जी सिखाएंगे. राजन जी जब सिखाते हैं तो राजन जी ही सिखाते हैं. नहीं नहीं, वो आप हमारे बाजू में खड़े रहे ना तो हमारे भी मतलब सीखना चालू हो जाता है, आपको पता ही नहीं है. When you are present, I mean the learning from our side, so I know what happens. Your presence makes the difference, I'm telling you. Your presence makes a difference, and thank you for being coming over there. So everybody is there on 2nd to 5th of July, and thank you. So one last question, I would like to ask you, what are your dreams? Ab aapke sapne kya hain? बस एक ही है हमारा, देखो सारे से अपने अपने वाले तो सब पूरे हो गए. अब जब सोचूं तो कई बार लगता है कि क्या कुछ है ही नहीं लिखने को, सब कुछ पूरा है. पर एक है कि अगर घर पे आए और पैदा हुए उस भूखंड का नाम है भारत, तो भारत माता ने तो बहुत कुछ भर भर के दिया मुझको, बहुत कुछ, जो भी पाया यहीं पे इसी 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 देश में पाया. तो बस ये लगता है कि जो हमने पाया, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करके अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, माइनस से स्टार्ट होकर जहां मैं पहुंचना चाहती थी वहां पहुंच सकती हूँ, तो भारत देश का एक एक इंसान, मतलब एवरीवन इस आर्ट को समझे, इस स्किल को समझे, ये मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ग्रैटिट्यूड, और इसको अपना के अपना एक एक सपना पूरा करे. तो यही मेरा एक लौता सपना है बस, कि हमारे देश में 130 करोड़ है, उनमें से मेरा टारगेट सिर्फ 100 करोड़ है. तो आप बोलोगे बाकी 30 का क्या हुआ,
पहले वाले 100 करोड़ है, बोले अगले स्लॉट में आ जाएंगे, तो 100 करोड़ लोगों तक इस जो कृतज्ञता का जादू है, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कैसे आप अपनी एनर्जी आप म्यूट हैं अश्मिन जी, आप म्यूट हो गए, कैसे कर लेते हो म्यूट मुझे बार बार। तो सपना बस ये है कि भारत देश के 100 करोड़, भारत देश नहीं पूरे विश्व में फैले हुए लोगों में से भारत मूल के लोगों को 100 करोड़ लोगों तक ये जो जादू है मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ग्रैटिट्यूड का, ये पहुंचे, वो सब अपने सपनों को डिफाइन करना, प्रिसाइजली क्रिएट करना सीखें, और उसको पूरा करने के लिए कैसे अपने एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड को, पॉजिटिविटी को यूज करना है, और वो यूज करके अपनी इंडस्ट्रीज, अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो जो उनके सपने हैं उसके अंदर पूरा फोकस करके अपने अपने रिश्तों को, सेहत को, पैसों को, हर चीज को वो प्रॉस्पेरिटी में ले आए, और फिर सब चमकना शुरू हो जाए, जैसे सब लोग हैं ना, जैसे हैलोजन का बल्ब चमकता है, ऐसे सबकी जिंदगी रोशन हो जाए। तो इस तरह से रोशन होते हो तो क्या होगा, हमारी कंट्री विल बिकम लाइक अ गोल्ड, सोने की चिड़िया, इसी को तो कहते हैं रोशन, सोना, खालिस। तो ये खालिसपन जो हम सब में छुपा है, ये गोल्ड जो हम में छुपा है, सपना बस ये है कि ये सबके अंदर से बाहर आ जाए और उनकी जिंदगी रोशन कर दे, तो बस यही सपना छोटा सा। मैडम आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ, ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, और ये जो गुड न्यूज है, एक और बात आपको ऐड करना चाहूंगा, इस प्रोग्राम को लगभग 10,000 लोग देखने वाले हैं, आपको हम सब यही बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए गुड न्यूज यही होती है कि जब जब आपका चेहरा सामने आता है, आपसे कुछ सुनने को मिलता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज अच्छी लगती है कि राजन सर के प्रोग्राम में आश्विन जी का ज्यादा जिक्र होता है, उनकी तारीफ ज्यादा होती है, और जब आश्विन जी प्रोग्राम करती है तो राजन जी का धन्यवाद देते हैं। ये जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग है और जो चीजें चल रही हैं, सच में ये जो कहते थे राजन सर कि सुबह आश्विन जी संभाल रही हैं, शाम को हम लोग संभालेंगे, और ये जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए शुक्राना परिवार में, उनके जीवन में तो खुशियां आएंगी आएंगी, और जो आप हमारे को दे रहे हो ना, ये सबके बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अपने आप में अद्भुत है, इनको शब्दों में हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको ये हर तरह से बोल सकता हूँ कि आपको जिसने भी फॉलो किया है, जिसने भी आपकी बातों को बताया, वो चले हैं, उनके जीवन में पिछले 3 सालों में इतना चमत्कार हुआ है। राजन सर ने 66 डेज की ली है शेयरिंग, और आप एक एक शेयरिंग को अगर आप सुनोगे तो 10 बार आपका नाम आया उस शेयरिंग के अंदर, और लोगों की बीमारियां, लोगों के करियर, लोगों के रिलेशन, हमें सुन सुनकर लगता है कि हमें गर्व महसूस होता है कि हम जैसे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग हमें पहचानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, और जो देने का भाव है आपका, लगातार दिए जाओ जितना एक्स्ट्रा दे सकते हो। राजन सर से हमारा डिसाइड हुआ था, सर ये प्रोग्राम 40 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन राजन सर हम लोग हो ना हो, वो 1 घंटा 20 मिनट तक रात को बैठ के पूरा वो सेशन सबकी शेयरिंग सुनते हैं, और सेम आपका इस बार जो मैजिक का सेशन हुआ, इतना जबरदस्त सब रहा, मैजिक के अंदर कुछ नया हो सकता है, वो हर बार लोग बोलते हैं अब क्या, एक वो एड आती थी नेक्स्ट, तो आपके हर सेशन में होता है नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। तो हम तो वेट कर रहे हैं आपका नया सेशन का, और बहुत बहुत धन्यवाद आश्विन मैम, इसी तरह से अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं, और जो आप सीखते हो देने का भाव, आपने लाखों रुपए देकर चीजें सीखी हैं, चाहे वो राजन सर हो आप हो, और जैसे ही आप कुछ सीखते हो देते हो कि दे दो, यही भाव आपका जो है आपको हमारी नजरों में बहुत खास बनाता है। और हमारा ये सपना है, हम 3,000 लोग 5,000 लोग मैनिफेस्ट करते हैं राजन सर के लिए, आपके लिए, कि आपके सपने जल्दी से पूरे हों, क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे तो कितने लोग जुड़ने वाले हैं, 100 करोड़। कुछ चीजें आपको अगर सुनी होंगी तो 3-4 चीजें बहुत अच्छी हुई है पिछले कुछ दिनों में, गुड न्यूज है, 18 कंट्री में अब रुपया का नोट चलना शुरू हो गया, जब आपने करना शुरू किया था सिर्फ 3 कंट्री में चलता था, आज 18 कंट्री में चल रहा है, तो कई चीजें अच्छी हो रही हैं, और ये पक्की बात है कि आश्विन मैम भी उस दिन को देख रही हैं, और मैं भी देख रहा हूं, और इस वाले सेशन में जितने लोग भी जुड़े हैं, सब लोग भारत को नंबर 1 जो सोने की चिड़िया है, हमारा जो वीजा है लेने के लिए लोग कहें, और अभी भी आते हैं लोग विदेश से करने के लिए, आपकी रिट्रीट ऋषिकेश में आए थे सर ने जब किया, पिंच में वहां आए, और मुझे मालूम है कि 160 देशों से आपके यहाँ पर लोग आने वाले हैं कि आश्विन सर मैम और राजन सर क्या सिखा रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस की क्लास लेनी है, और वो होगा ही होगा, 100% होगा, हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वो हो चुका है,
थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम. इट इज डन. आपके पूरे परिवार का, चाहे वो एनी जी चाहे अरविंद जी, वो अपने आप में पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू मैम, बहुत बहुत प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद. और बस एक चीज मैं दोबारा दोबारा बार बार बोलूंगी, मैं कुछ नहीं हूँ, अरविंद जी कुछ नहीं है, एनी कुछ नहीं है. जो है मैजिक बुक है, मैजिक हम रहे ना रहे पर मैजिक बुक हमेशा थी, रहे और आगे बढ़ती रहे. तो जो भी पावर है वो चाहे कोई भी लीड करे, चाहे वो मैं लीड करूँ, चाहे आप लीड करें, आचार्य जी कर रहे हैं, कोई भी लीड, मतलब रीड कर रहे हैं हम, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रीड करे. सपना तो ये है जो इंसान 100 करोड़ लोगों तक वो इंजेक्शन पहुंचा सकता है कोरोना के टाइम्स के अंदर, तो वो 100 करोड़ लोगों तक इस मैजिक बुक के जादू को भी पहुंचा सकते हैं. अगर उनकी भावना यही है कि देश की तरक्की हो, आगे बढ़ता चला जाए, तो बस ये बुक उनके हाथों में पहुंच जाए और वो इस बुक से सच में मतलब इस जादू को फील कर पाए, अपनी जिंदगी में पहले अनुभव कर पाए, और 100 करोड़ तक लोगों तक पहुंचाना उनकी जिंदगी का भी ध्येय बने. तो फर्क नहीं पड़ता ये बुक कौन पढ़ा रहा है, ये बुक कौन पढ़ रहा है, बात ये है बस लोगों की जिंदगी तक रोशनी पहुंच रही है. तो हमारा नाम रहे ना रहे, बस ये जादू और ग्रेटिट्यूड बना रहे, तो उसी की भावना है, वही हमारा सपना है. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल ड्रीम टुगेदर. और जो भी आप जिसकी भी जिंदगी है, आपने किसी एक की जिंदगी जादू लाए हैं तो आपने अपना काम कर दिया है. सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल वर्क टुगेदर. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू राजन जी फॉर मी बीइंग हियर इन दिस जर्नी टुगेदर. And thank you, Acharya ji. Thank you, Manju ji. Thank you, Nidhi. Thank you, everyone. Thank you, Raju ji. So, jitne log bhi jinko main naam abhi main dekh pai face par, aur jo logo ko main nahi dekh. Aapka shukriya ji, bahut bahut. Aapka shukriya. Shukriya. Thank you, love you, ma'am. Love you always. You are gifted. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Love you, ma'am. Shela ji, apni der. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, aap Jammu bhi aaye. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. A true giver. आपको जो लोनावाला रिट्रीट का जो फॉर्म है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा. नंबर भी शेयर कर दिया है. सो टुडे वी हैव शैला जी. शैला जी टू डू अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर. शैला, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर. ओके, परफेक्ट. सो वी वुड सो एज अ प्रैक्टिस हम लोग रोज एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स करते हैं. आज इन्होंने कुछ स्पेशल प्रेयर कराई है, तो वी विल डू अ स्पेशल प्रेयर बाय शैला. थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू. आश्मीन मैम के लिए मैं बस एक सिंगल लाइन बोलना चाहूंगी. She's awesome in any mausam. Wow. That's a beautiful line. और ये लाइन मेरे बच्चों ने बोली उनके लिए. मैं उनको प्रैक्टिस करा रही थी आई एम ऑसम, तो दे सेड कि नहीं आप अपनी मैम को सुनाना आई एम ऑसम इन एनी मौसम. तो उन दोनों से मेरे को मुझे प्रेयर करवानी थी, लेकिन शी लेफ्ट नो. सो नो, शी इज देयर, शी इज देयर. सो वी विल कंटिन्यू विद द मैसेज विद द ग्रेटिट्यूड प्रेयर. प्लीज कंटिन्यू. अरे आप सुनाओ, मतलब मेरी वीडियो ऑफ है, आप सुनाओ, मैं सुन रही हूं. थैंक यू अश्विन मैम, थैंक यू सो मच. है मेरा जब गुरु तेरे पास है, गुरु की आज है, तो क्यों होता है दिल मेरा. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. यू विल हैव टू स्टॉप योर कार, सो आई थिंक योर वॉइस इज क्रैकिंग. यस सर, वन मिनट. एक्चुअली आपने रिप्लाई नहीं किया था ना, तो आई स्टार्टेड ड्राइविंग. मैं फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था. आई वांटेड टू रीच होम इन टाइम. गाड़ी में कर रहे हैं. मैं प्रेयर कर रही हूँ जी सर. शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, इतनी अच्छी आश्मीन मैम देने के लिए मेरी जिंदगी में बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्रीज उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी. अ बेटर शैला, अ बेटर लाइट हार्टेड, सीख रही हूँ, लर्निंग सीख रही हूँ, रोज सीख रही हूँ.
और जैसे आश्मीन मैम का सपना है, ये काफी सपना मेरा 7 years बैक रहा है। मेरे जब फादर को हेल्थ चैलेंज आया था, उस टाइम मेरा ये सपना था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ से क्लियर कर पाऊं, और शायद ये मेरा मैजिक क्लू था कि मैं आश्मीन मैम से जोरबा द बुद्धा में मिली थी, और मैंने सोचा था कि नहीं, शी इज द राइट पर्सन, वो मुझे गाइड करेंगी कि हेल्थ के लिए कैसे मैं ग्रेटिट्यूड करवाते हुए लोगों को ठीक कर पाऊं। तो आज मेरा ये सपना पूरा हुआ कि मैं आश्मीन मैम से डायरेक्ट ये प्रे कर पा रही हूँ उनके लिए। थैंक यू आश्मीन मैम, तहे दिल से शुक्रिया। बोलना तो नहीं चाहिए, बोलना नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलो, लेकिन पहली अरदास आपके नाम प्रभु, सच्ची में आश्मीन मैम पहली अरदास आपके लिए करती हूँ रोज सुबह 3:30 उठ के। अरविंद सर की प्रेयर मुझे, मेरे दिल को छू गई। एंजल एनी ने जो मुझे कमाल कर दिया, यंगस्टर्स को एक प्रेरणा देके कि नहीं, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे मेंटर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं प्रेयर करा पा रही हूँ आश्मीन मैम के लिए, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे मालिक, थैंक यू सो मच। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, मेरे गुरुओं के रूप में मेरे साथ है। गुरु प्रभु अपने आप नहीं आ सकते थे ना, इसीलिए तो मेंटोर्स को भेजा किसी ना किसी रूप में मेरा साथ निभाने। थैंक यू सो मच आश्मीन मैम, दिल से शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली ब्लेसिंग्स, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर लव, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू राजन सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सारे प्रोग्राम बना रहे हैं जल्दी से मैम से मिलने का, पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को रात को, आज जैसे रात को कमी होता है इस तरह प्रोग्राम, आज रात को हमारे को इतने अच्छे अच्छे सेशन मिल रहे हैं, और आज का सेशन जैसे आपने बोला सबके लिए खास था, आपने वो संख्या भी देखी लाइव में कितने लोग जुड़े, आज निधि जी का भी चेहरा दिखाई दे रहा है। सर आप राजन सर, इनकी निधि जी की ड्यूटी लगाओ, आप ड्यूटी लगाओ, इनको भी सेशन एक दो लीड लेने हैं तभी आएंगी सेशन में। आचार्य जी आज इसको पकड़ के लाई हूँ मैं कि अब आश्विन मैम आ रही है, आज तो आजा। नहीं नहीं बस ये मुझे लगता है आश्विन मैम का बूस्ट इंजेक्शन चाहिए था मुझे आज, वो लग चुका है। ओके सो निधि, सो ओके सो निधि इज गोइंग टू रिप्लेस मी फॉर द नेक्स्ट 10 days। मैं नेक्स्ट 10 days में सेशन में नहीं हूँ मैं, निधि और निधि इज गोइंग टू एंड शी इज गोइंग टू को लीड द सेशंस ऑन मंडे ट्यूसडे, सो काइंडली कोऑर्डिनेट, उनको भी हम मेंटर ग्रुप में डाल देते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच राजन सर, थैंक यू सो मच राजन सर, थैंक यू। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टुमारो टू जापान, सो आई एम 10 days, सो आई वांट टू बी देयर टू टेक द सेशंस। हाँ जी, मैं कभी मैं घर के नीचे भी छाया के साथ ही उतर, मेरा साया साथ साथ जाएगा, स्टेटमेंट। और हमें अंजू ने सिखाया था, जब अंजू पेंच में आई थी तो जब वो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा एक दिन पहले चली गई थी, उनको कुछ काम था तो रिट्रीट से, तो जाते जाते एक स्टेटमेंट बोल गई, शुक्राना एंड मुस्कुराना इज अ परमानेंट वीजा, हैप्पी जर्नी टू हैप्पीनेस। वाओ शैला जी, थोड़ा सा सब लोग मिलके मैजिक डस्ट डालते हैं राजन सर के ऊपर, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उनको सफलता मिले, खूब अच्छे से घूमे घूमने जा रहे हैं। आचार्य जी सफलता मिल गई, मिल गई, सब लोग डस्ट डाल दीजिए सर, अभी तो चेरी ब्लॉसम का मौसम है। यस चेरी ब्लॉसम, जापान में रिट्रीट नहीं है क्या?
हाजी ये फैन मेरी ब्रीफ नहीं है सर मैं प्रेयर करूं ओके सो लेट्स एंड दिस सेशन बाय क्लैपिंग एंड सेइंग टू आवरसेल्फ आज तो मजा आ गया बीमारियां दूर होती हैं और रूम का एनर्जी चेंज होता है सो लेट्स क्लैप यस थैंक यू वेरी मच दादा शुक्रिया शुक्रिया दिल से शुक्रिया